कमांडू। और इधर है रंगे हुआ बदन कठीला काले रंग के जांगिये में मोनू पहलवान राजस्थान गंगानगर भट्टा चालीम सिंह पहलवान फांसी वाली गली चला दो वाला मोहल्ला। मंगला गुरु जी बाबा जी देखिए आप मेरे बड़े हो, मैं आप कुछ कहना चाहूंगा, मेरी बात का बुरा मत मानना। देखिए बजरंग बली का स्थान है और आप दोनों ये भी मेरे बड़े भाई के समान है, आप दोनों रेफरी का भूमिका निभा रहे हैं। जो रेफरी होती है हमारे नेपाल में जज का रूप माना जाता है, हर देश में हर क्षेत्र में रेफरी को जज का भगवान का रूप माना जाता है। मेरे साथ कोई अन्याय ना हो, पक्षपात ना हो, हाथ जोड़कर निवेदन है। बस इसी के साथ कोई आपके साथ न्याय नहीं होगा। अरे रुको भाई, दाहिने हाथ लो, दो गोरे रंग रंगे हुए लाल रंग की कच्चिया पहना हुआ, दोनों पैर में मेकअप लगाया हुआ, यही है पारस धापा पहलवान नवल प्रासी में बाल काठमांडू की धरती बाबा पशुपतनाथ की नगरी। अब उन्हीं के सवाल के जवाब में नाटे लड़के कटे हुए काले रंग की कटिया पहना हुआ मोनू पहलवान फिर गंगानगर राजस्थान फांसी वाली गली के लाडे वाला मोहल्ला मकान नंबर 420 टूटी का समय 10 मिनट। खुला हाथ ना मारो, आज तुम लड़ रहे हो, तुम लड़ रहे हो, ये वो समझो जो अकेले आया है उसके साथ पूरी जनता है। बैठो हुआ, नहीं हुआ,
एक बात छोड़ दो हमारे कहा छोड़ दो। अरे भाई सुनो, कोई बात हो भी छोड़ दो। आओ छोड़ो। अरे भाई देखिए, मट्टी है मुंह में पड़ जाती है। ये देखिए मौजूद है पानी भाई पहलवान, ये फाउल गेम कर रहा तो मैं भी फाउल गेम करूंगा, देख लो भाई साहब। भैया थोड़ा सा गाना चला दो, हमारे नेपाल में जब भी कुश्ती होती है तो गाने के ऊपर होती है, पहलवानों का शरीर गर्म हो जाता है। गाना चला दो सपना चौधरी का। कौन सा Thank you.